हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेणुका और आप देख रहे हैं 7 मिनट इंडियन रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूं ऐसे 4 रेसिपीज़ जो ट्रेन में बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। पहला है चना चाट। उसके लिए मैंने बोतल में पानी भर के चने को भिगो लिया है। एक ग्लास कैरी कर रही हूं जिसमें मैं पानी को स्क्वीज कर सकती हूँ। चाट मसाला रख लिया है मैंने, एक छोटा सा बाउल ले लिया है मैंने, खीरा रख रही हूँ मैं, एक टमाटर रख रही हूँ मैं, एक नींबू रख रही हूँ मैं, एक प्याज ले लिया है मैंने, चाकू ले लिया ताकि सब्जियों को मैं काट सकूँ, और हरी मिर्च रख रही हूँ मैं। अब ये मेरा सामान पैक हो चुका है, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरी ट्रेन आ चुकी है, अब हम बनाएंगे चना चाट। उसके लिए मैं बोतल के ढक्कन पे छेद करूँगी ताकि मैं इसका पानी स्क्वीज़ कर सकूँ। ये मैंने बोतल के ढक्कन पे छेद कर दिया है, मैं इसका पानी स्क्वीज कर दूंगी एक ग्लास में। ये मैंने बोतल से पूरा पानी स्क्वीज कर दिया है, अब सिर्फ चना रह गया है। अब मैं इस चने को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। मैंने चने के साथ कुछ बादाम भी भिगोए हुए थे, मैं उसको भी छील लूंगी। मुझे सुबह सुबह 4 भिगोए हुए बादाम खाना बहुत पसंद है। ये मैंने बादाम को छील लिया है, अब मैं उसे एक साइड में रख दूंगी। अब मैं सब्जियों को काटूंगी। ये मैं प्याज काट रही हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा हरी मिर्च काट रही हूँ मैं, थोड़ा सा टमाटर काट रही हूँ मैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या टमाटर प्याज ट्रेन में ले जा रही है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब हम कि हमारी गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हम दादी के यहाँ जाते थे और हम इसी तरीके से ट्रेन में चना चाट बनाया करते थे। नींबू काट रही हूँ मैं, थोड़ा सा नींबू स्क्वीज कर दूंगी मैं ऊपर से। थोड़ा सा खीरा काट रही हूँ मैं, खीरा को मुझे नींबू स्क्वीज करने से पहले काटना चाहिए था पर मैं भूल गई थी, तो मैं अब काट रही हूँ खीरा को। ये मैंने खीरा काट लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये हमारा चना चाट बनके एकदम तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। अब मैं बनाऊंगी भेलपूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी होती है। उसके लिए सबसे पहले मैं मसाले का डब्बा तैयार करूंगी। मैंने एक छोटा सा जैम का डब्बा ले लिया है, मैं उसके ढक्कन पे छेद करूंगी चाकू की हेल्प से। ये मैं छेद कर रही हूँ। अब मैं डब्बे में चाट मसाला ऐड करूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं डब्बे में, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं। अब मैं डब्बे का ढक्कन बंद कर दूंगी। देखिए कितने अच्छे से मसाला निकल रहा है बाहर। अब मैं इसे इस पर एक सेलो टेप चिपका दूंगी ताकि मसाला बाहर ना निकले कैरी करते वक्त। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मूंगफली को भून लूंगी। मूंगफली थोड़ा सा ब्राउन हो जावे तो उसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा और तेल ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, उसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पफ्ड राइस डालूंगी जिसे हम हिंदी में मुरमुरा भी कहते हैं। इसे हम 3 से 4 मिनट तक इस तरह से घुमाते हुए पका लेंगे, भून लेंगे। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब मैं इसमें रोस्टेड पीनट्स को ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा आलू भुजिया को भी मैं इसमें डाल दूंगी।
हाथों की हेल्प से मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे एक छोटे से डब्बे में भर लूँगी। ये मैंने भर लिया है, डब्बे का ढक्कन बंद कर रही हूँ मैं। अब मैं अपना सामान पैक करूँगी। मैंने पफ्ड राइस रख लिया है, मुरमुरा अपने बैग में, और मसाले का डब्बा जो मैंने बनाया था पहले वो रख लिया है मैंने, थोड़े से सब्जियाँ रख लिया है, टमाटर प्याज मिर्ची, और ये मेरी ट्रेन आ चुकी है। अब हम बनाएंगे भेल पूरी। मैंने मुरमुरा को एक बॉल में निकाल दिया है, थोड़ा सा प्याज चॉप कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा टमाटर को कट कर लूँगी मैं। थोड़ा सा नींबू को स्क्वीज़ कर रही हूँ मैं। ये हमारा मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें। थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल दिया मैंने। और ये हमारा भेलपूरी बनके एकदम तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं बनाऊँगी पोहा, जो ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर खाया जाता है। उसके लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर रही हूँ। थोड़ा सा सरसों डाल दिया है मैंने, थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने, थोड़े से हरी मिर्च डाल दिया मैंने, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें पोहा को डाल रही हूँ। पोहा को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक पोहा कुरकुरे ना हो जाए। ये हमारा पोहा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थोड़ा सा रोस्टेड पीनट्स ऐड कर रही हूँ मैं। अब मैं इसे एक डब्बे में भर लूँगी। ये मैंने डब्बे में भर लिया है, अब डब्बे का ढक्कन बंद कर दूँगी मैं। एक छोटे से टिफ़िन बॉक्स में मैंने आलू का भुजिया रख लिया है। आलू का भुजिया पोहा के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं अपना बैग पैक करूँगी। मैंने पोहा रख लिया है एक टिफ़िन डब्बे में, आलू का भुजिया रख रही हूँ मैं, एक बॉटल में गर्म पानी रख रही हूँ, मेरे पास थर्मस नहीं है, मैंने नॉर्मल बॉटल दिखाया है, एक नींबू रख रही हूँ मैं, एक टिफ़िन बॉक्स रख रही हूँ मैं। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी ट्रेन आ चुकी है। अब हम बनाएंगे पोहा। पोहा को मैंने एक टिफ़िन बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी मैं। इसे शेक करके हम 5 मिनट तक रखेंगे। पोहा हमारा बनके एकदम तैयार हो चुका है। इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा आलू की भुजिया मैं मिक्स स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ मैं। ये हमारा पोहा बनके एकदम तैयार हो चुका है। ट्रस्ट मी गाइस, ये नॉर्मल पोहा के जैसे ही टेस्ट कर रहा था। अब मैं बनाऊँगी उपमा। ये भी ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर खाया जाता है। उसके लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा सूजी डाल रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से 2 से 4 मिनट तक भून लूँगी। अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, थोड़े से मूंगफली डाल रही हूँ मैं, इसे भी मैं भून लूँगी। ये हमारा मूंगफली भून चुका है। अब मैं उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा सरसों डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा उड़द का दाल डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा चने का दाल डाल रही हूँ, थोड़े से काजू ले लिया है मैंने, उसको डाल दिया है मैंने, थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने, थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च डाल दिया है मैंने, चुटकी भर चीनी डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। अब मैं सूजी को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे एक प्लेट में निकालूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा रोस्टेड पीनट्स ऐड कर रही हूँ मैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक डब्बे में भर लूँगी।
ये मैंने डब्बे में भर लिया है। अब मैं डब्बे का ढक्कन बंद कर दूंगी। थोड़ा सा अचार ले लिया है मैंने, उपमा के साथ अचार बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं अपना सामान पैक करूंगी। उपमा को रख लिया है मैंने, गर्म पानी रख रही हूँ मैं। ध्यान रहे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए उपमा के लिए। अचार को रख रही हूँ मैं, एक नींबू रख रही हूँ मैं, एक टिफ़िन का डब्बा रख रही हूँ मैं। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ चलने जाने के लिए। ये मेरी ट्रेन आ चुकी है। उपमा को मैं टिफ़िन बॉक्स में निकाल लूँगी। इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ मैं। टिफ़िन का ढक्कन बंद करने के बाद हम 7 से 8 मिनट तक रखेंगे। ये हम मैं टिफ़िन का ढक्कन खोल रही हूँ और ये हमारा उपमा बनके एकदम तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।